तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने ही चैनल पे। आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत कुर्ती के न्यू लुक के साथ साथ एक बहुत ही खूबसूरत बोर्ड नेक डिज़ाइन भी बनाना बताएंगे। तो जिसके लिए हमने यहाँ पर अपनी दो प्रकार की मैचिंग ली हुई है और नॉर्मली अपनी कुर्ती की कटिंग सिंपल की हुई है। इसमें हमने दोस्तों सिर्फ आधा इंच की लूजिंग एक्स्ट्रा की हुई है। अब हम आपको बताते हैं न्यू लुक देने के लिए अपनी कुर्ती में हम क्या चेंजेस करेंगे। तो चेंजेस करने के लिए पहले तो हम अपनी कुर्ती को इस प्रकार से खोलेंगे और खोलने के बाद में अच्छी तरह से बिछा लेंगे। तो दोस्तों हमारा जो यहाँ पर बोर्ड नेक बनेगा वो बनेगा 9 इंच की ब्रॉडनेस में। तो हम यहाँ पर अपना 9 इंच की ब्रॉडनेस का एक निशान लगा देते हैं। देखिए इस प्रकार से 4.5 इंच 20 सेंटर से इधर और 4.5 इंच इधर। अब निशान से बाहर की तरफ हमारे बोर्ड नेक की जो चौड़ाई रहेगी वो रहेगी 1.5 इंच। तो हम पहले 1.5 इंच का भी निशान एक साइड पर लगा देते हैं और इसके बाद आधा इंच का मार्जिन जो हमने अपनी कुर्ती में लूज करके छोड़ा हुआ है वो भी हम इस तरह यहाँ पर लगा देते हैं। और लगाने के बाद में इस मार्जिन से ये जो निशान लगाया हमने यहाँ से बाहर की तरफ से नाप लेंगे टोटल हमारा कितना आ रहा है। तो देखिए टोटल हमारा 1.5 इंच आ रहा है। इसी प्रकार से इस निशान को हम नीचे तक बिल्कुल सीधा लगा देंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर अपनी फिटे को इस तरीके से सीधा रखेंगे बिल्कुल। और ये हमने अपना निशान कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद इस निशान पर हम सेम कटिंग कर देंगे। और दोस्तों अगर आपको इसी तरह के खूबसूरत डिज़ाइन चाहिए तो हमारी वेबसाइट पर विजिट जरूर करें जिसका नाम है www.rooffashionpoint.com, जहां पर आपको बहुत ही खूबसूरत ब्लाउज के डिज़ाइंस, कुर्ती के डिज़ाइंस और आप अपनी फेवरेट एक्टर्स के बारे में भी जान सकते हैं, मतलब कि उन्होंने कौन सी ड्रेस कौन से फंक्शन पर पहनी हुई है। अगर आप इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारी वेबसाइट पर विजिट जरूर करें। और कटिंग करने के बाद में दोस्तों हम क्या करेंगे, दोस्तों जैसे हमने अपना ये वाला पैटर्न जो देखिए कट के अलग निकला है, इस पैटर्न को क्रीम कलर के कपड़े पर सेम कटिंग कर लेंगे, लेकिन उसमें क्या करेंगे आधा इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर नीचे हमने क्रीम कलर का पैटर्न जो है आधा इंच के मार्जिन से एक्स्ट्रा कटिंग कर लिया है। और इसके बाद दोस्तों हम अपने इस पैटर्न को कुर्ती में अटैच करेंगे पाइपिंग के साथ। तो दोस्तों पाइपिंग लगाने के लिए हमने यहाँ पर अपनी डोरी वाली पाइपिंग ली हुई है और इसकी जो गोलाई वाला हिस्सा है वो अंदर की तरफ रखेंगे कुर्ती के और मार्जिन जो है वो कट की तरफ रखेंगे। इस तरीके से हम इसको इसके ऊपर सेट कर देंगे और सेट करने के बाद में हम अपना पैटर्न लेंगे। इस पैटर्न को भी हम इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर जो हम सिलाई लगाएंगे वो सिंगल बूट की मदद से लगाएंगे। तो हमने अपनी मशीन में सिंगल बूट लगा लिया है और अब हम सिलाई लगाएंगे अपनी पाइपिंग के बिल्कुल बराबर। तो दोस्तों देखिए सिलाई लगाने के बाद में हमारी पाइपिंग का जो लुक है वो फाइनल कुछ इस तरीके से आ गया है। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहां पर एक बारीक कन्नी की सिलाई सफेद वाले कपड़े पर लगा देंगे। तो इसके लिए हम अपनी मशीन का बूट फिर से चेंज कर लेते हैं, डबल वाला लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों सिलाई लगाने के बाद में हमारी कुर्ती का जो लुक है फिलहाल तो कुछ इस प्रकार से आ गया है, लेकिन इसको और भी ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक क्रीम कलर की और एक ब्लैक कलर की कुछ पट्टियाँ लेंगे। इनकी हमने लंबाई रखी है 12 से 13 इंच लगभग और जो चौड़ाई रखी है वो रखी है 1-1/4 इंच, मतलब कि 0.25 इंच। और इन पट्टियों को हम मशीन पर ले जाकर बारी बारी एक दूसरा में मतलब काली क्रीम इस प्रकार से जोड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी बारी बारी पट्टियाँ जोड़ ली हैं और जोड़ने के बाद में इन पट्टियों का जो लुक है बहुत ही खूबसूरत आ गया है। इसके बाद दोस्तों हम इसे रख देंगे एक तरफ और फिर अपना नॉर्मल तरीके से एक बोर्ड नेक हमने यहाँ पर कट कर लिया है जिसकी लंबाई हमने 4 इंच रखी है और बीच की ब्रॉडनेस रखी है 9 इंच और चौड़ाई जो इसकी बाहर की तरफ रखी है वो रखी है 1.5 इंच। इसके बाद इसे अगर आप चाहें तो छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब हम अपने इस बोर्ड नेक को अपने ये जो पट्टियाँ हमने जोड़ी हैं इसको उल्टा करेंगे और उल्टा करने के बाद में यहाँ पर इस तरीके से रखकर प्रेस की मदद से चिपका लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने अपने नेक को बखूबी चिपका लिया है और चिपकाने के बाद में थोड़ा मार्जिन ऊपर की तरफ हमने फोल्ड कर दिया है
और अब इसके बाद हम अपने इस नेक को कुर्ती में अटैच करेंगे। तो कुर्ती में अटैच करने के लिए देखिए हमने अपनी कुर्ती को इस प्रकार से उल्टा कर लेना है, और उल्टा करने के बाद में ये देखिए जो हमारी ब्रॉडनेस के निशान लगे हुए हैं, इस ब्रॉडनेस पे अपने नेक को इस तरीके से फिक्स करना है। और फिक्स करने के बाद में पहले 20 सेंटर में एक कच्ची सिलाई लगानी है, और उसके बाद बुकरम के अंदर बराबर बराबर सिलाई लगाकर एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर देना है। तो दोस्तों एक्स्ट्रा मार्जिन काटने के साथ साथ हमने यहाँ पर अपने छोटे छोटे नोचिस भी लगा दिए हैं, जिसकी वजह से हमारा जो नेक है वो सीधी तरफ अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाएगा। तो अब हम अपने नेक को इस तरीके से सीधी तरफ फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद में इस पर फिनिशिंग के साथ दोस्तों प्रेस लगा लेंगे पहले। तो देखिए दोस्तों हमने अपने नेक पर फिनिशिंग के साथ प्रेस लगा ली है, और इसके बाद इधर बाहर वाली साइड पर और अंदर वाली साइड पर कन्नी की सिलाई लगाकर इसे फिक्स कर देंगे। तो देखिए दोस्तों सिलाई लगाने के बाद में हमने यहाँ पर अपने कुछ बटन भी लगा दिए हैं, जिनकी वजह से हमारी कुर्ती का लुक और नेक का लुक बहुत ही खूबसूरत आ गया है। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये डिज़ाइन हुआ पूरा, और आपको हमारा आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और घंटी के आइकन को क्लिक ज़रूर कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों अगर किसी कारण नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आप हमें हमारी वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है www.roofffashionpoint.com, जहां पर आपको हमारे सारे डिजाइंस एक साथ देखने को मिलेंगे और कुछ अलग तरह के डिजाइंस भी आपको देखने के मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये डिज़ाइन आज का पसंद आया हो तो हमारे इस डिज़ाइन को और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास लेकर आपके लिए, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।